सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं आपको करेले गोश्त बनाने का तरीका बताऊंगी। उसके लिए मैंने आधा किलो मटन लिया है, यानी बकरे का गोश्त। आधा किलो मैंने करेले लिए हैं, जो मैंने के साथ बनाकर साफ सुथरे कर लिए हैं, इस तरह काटे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। और फिर मैंने 3 अदद प्याज लिए हैं दरमियानी साइज के। ये प्याज मैंने गोश्त में डालने के लिए बनाया है, और इस किस्म का प्याज जो है ना वो मैं करेलों में डालूंगी। 1 कप मैंने दही का लिया है, 1 चम्मच अनारदाना, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1/4 चम्मच हल्दी, नमक हसबे जायका, लेकिन मैंने 1 चम्मच लिया है, सुरख मिर्च 1 चम्मच, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच। अब मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। मैंने 1 कप ऑयल का लिया है। अब मैं इसमें जो करेले थे वो मैंने काट के रखे हुए थे, अब मैं इसमें डालकर इसको लाइट ब्राउन करूंगी सबसे पहले, और इसी घी में फिर मैं गोश्त बनाऊंगी। अब ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं, अब मैं इसको निकालने लगी। ये देखें लाइट ब्राउन हो चुके हैं, अब मैंने इसे निकाल लिया। उसी ऑयल में मैं अब सबसे पहले प्याज, प्याज के बाद मसाला डालूंगी। ये देखें मैंने प्याज डाल दिया, सूखा धनिया, अदरक लहसुन का पेस्ट, हल्दी, सुरख मिर्च, नमक, अब गोश्त। अब इसको मैं 1 गिलास पानी डालकर वेल लगा दूं। अब मैं 1 गिलास पानी का गोश्त को गलने के लिए डालने लगी। अब मैं इसके ऊपर वेल लगा दूं। गोश्त गल चुका है, अब मैं इसको भूनने लगी। जब ये भून छोड़ देगा तो फिर इसमें करेले और प्याज में दोनों चीजें डाल के इसको भूनती रहूंगी। ये देखो मैंने अच्छी तरह गोश्त को भून लिया है, और इसमें घी भी छोड़ दिया है, और गोश्त फर्स्ट क्लास गला हुआ है। अब मैं इसमें करेले डालने लगी। और साथ ही ये मैं दही भी, और ये अनारदाना। इससे ये दोनों दही और से जो होती है ना वो गोश्त और करेले जो होते हैं, लोग कहते हैं इसकी तस्वीर गर्म है, ये गर्म नहीं रहती। दूसरा जो मैंने डाला है अनारदाना, इससे खटाई बिल्कुल खत्म हो, कड़वापन जो है इसका खत्म हो जाएगा, और जैसे जैसी आम सब्जी का जायका होता है इसी तरह होगा। और अब मैं इसको अच्छी तरह भूनती रहूंगी, और साथ ही मैं प्याज भी डालने लगी। अब मैं इसमें प्याज डालने लगी। अब मैं थोड़ी देर के लिए ना ढकना इसके ऊपर रखती हूँ।
साथ साथ मैं चम्मच भी लाती जाऊंगी थोड़ी थोड़ी देर के बाद। अब मैं आंच को थोड़ा हल्का कर दूंगी। करेले गोश्त बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको डिश आउट करने लगी। ये देखिए बिल्कुल तैयार है, प्याज हाथ गाजर।